फटाफट स्टार्ट करते हैं और एक केस अपना रिवीजन में AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज प्योरली थियोरिटिकल AS है। आप इस AS का रेफरेंस बाकी AS के साथ में भी डाल सकते हैं, एकदम छोटा सा AS है, जस्ट डिस्क्लोजर के लिए है। इस AS का नाम देखो क्या है, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी ये AS बोलता है नेट प्रॉफिट और लॉस जो करंट ईयर का है उसको अलग से डिस्क्लोज करो। ये कोई प्रायर पीरियड आइटम है, प्रायर पीरियड का मतलब जो खर्चा या जो इनकम पिछले साल का था वहां जाना चाहिए था, गलती से आपने करंट ईयर में कंसीडर किया है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। एंड इफ कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंजेस हुआ है देन आप लोग डिस्क्लोज करो। इज इट क्लियर? दैट वाज AS5 का नाम, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर पे ही काम करेगा। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 जो हमने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल देखा था, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर कंपनी लोगों को सर्टेन आइटम्स अलग अलग करके दिखाना होता है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। पहले अपन क्या करता है, टोटल रेवेन्यू दिखाता है, टोटल एक्सपेंसेस दिखाता है, फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके हम लोग क्या लिखता है, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम, राइट? देन हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से दिखाते हैं, एक्सेप्शनल आइटम्स अलग से दिखाते हैं, प्रायर पीरियड आइटम्स बोल के इफ कोई भी एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर था उधर ही जाना चाहिए था, तो जब आप एक्सपेंसेस शो करेंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में तो सेपरेटली दिखाओगे दैट इट इज अ प्रायर पीरियड आइटम। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बस वही है कि अपने पीएनएल में क्या क्या होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड, ऑर्डिनरी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। कुछ भी होगा तो उसको हम हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सेपरेटली दिखाएगा एक हेड बना के। इज इट क्लियर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होता है, जो हमारे डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक, ठीक है, आग लग जाना ये हमारा डे टू डे एक्टिविटीज थोड़ी होता है। आग लग जाना, भूकंप आ जाना, ये सब हमारा डे टू डे एक्टिविटीज नहीं है। इज इट क्लियर? तो हाँ लॉस फ्रॉम अर्थक्वेक अपना क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो कल को भूकंप की वजह से, आग लगने की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दिखाएगा, लेकिन वो उसको कैसे दिखाएगा, अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का हेडिंग देके हम लोग उसको डिस्क्लोज करेगा। यही मुझे AS5 सिखाता है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाओ तो ऑर्डिनरी आइटम को अलग से दिखाओ, प्रायर पीरियड यानी पिछले साल से रिलेटेड है तो कोई अलग से दिखाओ, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एक्टिविटी बिजनेस में हुआ है उस इनकम और एक्सपेंस को आप अलग से डिस्क्लोज करो। क्लियर है? एंड इफ कोई भी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या पॉलिसीज की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट हुआ है तो उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सेपरेटली डिस्क्लोज करो। अब प्रायर पीरियड आइटम्स क्या होता है, आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस रिलेटिंग टू अर्लियर ईयर्स नॉट रिकॉर्डेड इन प्रीसीडिंग ईयर ड्यू टू एरर और ओमिशन। गलती से हमने पिछले साल रिकॉर्ड नहीं किया या हमसे रिकॉर्ड होना छूट गया था तो क्या करेंगे, करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। करंट ईयर में रिकॉर्ड तो करेंगे बट उसको सेपरेटली प्रॉफिट एंड लॉस में एक हेड बना दोगे आप लोग, प्रायर पीरियड आइटम उसके अंडर में डिस्क्लोज करोगे। मैं फिर से बताता हूँ, इनकम दो तरह की होती है एज पर द शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। बट इफ कोई प्रायर पीरियड आइटम इनकम है तो अलग से और एक आ जाएगा प्रायर पीरियड आइटम बोल के, एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो वो भी आ जाएगा। एक्सपेंसेस में हमने देखा था चेंजेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ WIP फिनिश्ड गुड स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस, इतने ही खर्चे होते हैं।
लेकिन इन खर्चों में यदि आपने कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे एज अ प्रायर पीरियड आइटम बोल के। आई होप दिस इज क्लियर। डिस्क्लोज सच आइटम इन सच ए वे दैट इट्स इम्पैक्ट ऑन करेंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस इज सीन। यदि आप इसको अलग करके नहीं दिखाओगे तो यूजर को पता कैसे चलेगा अचानक से खर्चा बढ़ कैसे गया या इनकम बढ़ कैसे गई। इसीलिए बोल रहा है कि कोई भी प्रायर पीरियड आइटम होगा आप उसको इस तरीके से अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दिखाओगे कि यूजर को अच्छे से समझ में आए। इज इट क्लियर। अब देखो एस क्या बोलता है कि सरकमस्टेंसेस व्हेन सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड, कि कब कब अपने को सेपरेटली उसको अलग से डिस्क्लोज करके दिखाना पड़ेगा। जब भी आप अपने बिजनेस में कोई भी फिक्स एसेट डिस्पोज ऑफ करेगा, फिक्स एसेट डिस्पोज करने से या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दैट गेन और लॉस ऑन फिक्स एसेट्स उसको आप लोग, गेन है तो अदर इनकम में मत दिखाना, उसको सेपरेटली अलग करके दिखाना। लॉस है तो उसको भी हम लोग सेपरेट डिस्क्लोजर करेगा, एक अलग लाइन आइटम बना देगा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर में। इज इट क्लियर। फिर डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने अपने बिजनेस में कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा था फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ, अब आप उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट को सेल करने से जो इनकम या लॉस हो रहा है उसको भी अपन सेपरेटली डिस्क्लोज करेगा। बाकी जो शेड्यूल 3 ने जो प्रिस्क्राइब किया है उन हेड्स के अंदर में क्लब करके नहीं दिखाएगा। इज इट क्लियर। फिर रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज टू एनआरवी एंड वाइसा वर्सा, मतलब हमने क्या किया, अपनी स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी पे दिखाया है, कॉस्ट और एनआरवी एनआरवी पे लेके आए हैं, तो उसको भी हम लोग सेपरेटली डिस्क्लोज करेगा। लिटिगेशन सेटलमेंट, कोई भी कोर्ट केस चल रहा था बट हमने आउट ऑफ द कोर्ट उसका सेटलमेंट कर लिया, तो उससे जो पेमेंट करना पड़ा या पैसा मिला है उसको भी हम लोग सेपरेटली हेड्स में दिखाएगा, अलग से पीएनएल में एक लाइन आइटम बन के दिखाएंगे। लेजिस्लेटिव चेंजेस हैविंग रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट, मतलब क्या हुआ, कानून में कुछ बदलाव आ चुका है, लॉ में अमेंडमेंट आ चुका है, उसकी वजह से मेरे और वो सारा जो चेंजेस आया है, नया अमेंडमेंट आया है, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट है। तो उस रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट को आप लोग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तो चेंज नहीं करके दिखा सकता, हम लोग को तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में ही दिखाना पड़ेगा जितना भी चेंजेस है। तो जितना भी उसका इम्पैक्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग करेंट फाइनेंशियल ईयर में हो रहा है उसको आप सेपरेट लाइन आइटम करके डिस्क्लोज करोगे। रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है क्या होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एमालगमेशन, कंसोलिडेशन, ये सब रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज होता है। तो आपने उससे कोई फायदा या नुकसान हुआ है तो उसको भी आप लोग सेपरेटली डिस्क्लोज करेगा। एंड अदर इधर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, आपने कोई प्रोविजन बना रखा था, अब आपको लगता है इस प्रोविजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्रोविजन रिवर्स करने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रोविजन जब बनाते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, प्रोविजन रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब ये जो प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका, उसको आप सेपरेट लाइन आइटम करेगा। शेड्यूल 3 में तो दो ही लाइन आइटम, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक अदर इनकम, बट उसको आप अदर इनकम में नहीं दिखाओगे, एक अलग से एक लाइन आइटम आ जाएगा रिवर्सल ऑफ प्रोविजन बोल के। आई होप ये क्लियर है कैसे कैसे किस किस सर्कमस्टेंसेस में हम लोग को सेपरेट एक लाइन आइटम बना के डिस्क्लोज करना पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में। इज इट क्लियर। सर, हाँ ये अकाउंटिंग एस्टिमेट वाला मुझे समझ नहीं आया। अकाउंटिंग एस्टिमेट, जैसे कि आपने पहले एक फिक्स एसेट्स का लाइफ 10 साल पकड़ा था, लेकिन अब आपको लगता है 2 साल यूज करने के बाद ये और 2 साल ही चलेगा। पहले हमने कंसिडर किया था 10 ईयर रन होगा, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग डेप्रिशिएट किया पहला 2 साल। अब आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर आपको लग रहा है ये एसेट सिर्फ 2 साल और चलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 साल में जो वैल्यू डेप्रिशिएट होना था उसको 2 साल में डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस बढ़ गया ना, हाँ तो इसको बोलता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ठीक है। अब देखो चेंजेस, जब भी कोई पॉलिसी चेंज करोगे, जब भी पॉलिसी चेंज करोगे तो आपको 3 डिस्क्लोजर देना होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। एक क्यों चेंज किया,
चेंज क्यों लेके आया उसका रीजन लिखना पड़ेगा, यूजर को बताना पड़ेगा हमने इस रीजन की वजह से हमारी पॉलिसीज को चेंज किया है, ठीक है। फिर उस चेंज के बदले में नया पॉलिसी क्या लेके आया, क्या क्या चेंजेस किया आपने, वो अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझ में आया? जब भी बिजनेस में कोई जैसे AS1 क्या सिखाता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेकिन AS5 आपको क्या सिखा रहा है, यदि पॉलिसीज चेंज करोगे तो रीजन बताओ क्यों चेंज किया, एंड नया पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस करके लेके आए हो, एंड थर्डली उसका आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंपैक्ट हो रहा है, फाइनेंशियल फिगर्स में क्या क्या इंपैक्ट हुआ है, वो सब आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर है? अब आप पॉलिसी कब चेंज कर सकता है, AS1 में भी पढ़ा था, जब व्हेन इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट्यूट, यदि लॉ बोल दिया तब अपने को अपना पॉलिसी बदलना पड़ेगा, या फिर हमें लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई नया गाइडलाइंस आया है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपलसरी हो चुका है लगाना, तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए इफ हमको हमारे बिजनेस की पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी तो करेंगे, राइट। एंड या फिर थर्ड एंड फाइनल, हमें लगता है इससे हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन देगा, अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गिव मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, तो आप अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सकता है। नॉर्मली 3 रीजन की वजह से पॉलिसी चेंज होता है, फर्स्ट है लॉ का रिक्वायरमेंट, दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें कंप्लाई करना है, तीसरा है हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होगा, यूजर्स को और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब हम हमारे पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ सर, तो इतना ही तो है AS5, बस मोटा मोटी आपको इतनी ही चीजें ध्यान में रखनी है कि कोई भी प्रायर पीरियड आइटम है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम हुआ तो उसको सेपरेट लाइन आइटम बोल के आप डिस्क्लोज करेगा, मर्ज नहीं करेगा। पॉलिसी चेंजेस होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, इफ पॉलिसी चेंज किया तो क्यों चेंज किया, क्या क्या चेंजेस किया, और उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट आपको अच्छे से डिस्क्लोज करना है। दैट वाज योर AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। इज इट क्लियर? एस्टिमेट चेंज करने पे कुछ नहीं करना है। नहीं, अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फ्यूल सरचार्ज इज बिल्ड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट प्रोविजनल रेट्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या बोर्ड क्या करता है, फ्यूल सरचार्ज लगाता है हमारे बिल के ऊपर में। फाइनल बिल फॉर फ्यूल सरचार्ज ऑफ ₹5.30 लाख फॉर द पीरियड October X1 to September X7 हैज बीन रिसीव्ड एंड पेड इन February X8। ओ माय गॉड, ये तो पिछले साल का आइटम नहीं हो गया क्या? करंट ईयर में हम सारा का सारा फ्यूल सरचार्ज का पेमेंट कर रहे हैं, बट कौन सा साल का, X1 से लेके X7 तक, राइट। तो जो करंट ईयर में फॉल कर रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पिछले साल वाले फ्यूल चार्जेस आप करंट ईयर में पे करके उसको एक्सपेंस जो दिखा रहे हो, क्या ये प्रायर पीरियड आइटम है आपका, हाँ है ना? तो हम लोग क्या करेगा, जो पिछले साल से रिलेटेड है उसको सेपरेटली सेपरेटली स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दिखाएगा प्रायर पीरियड आइटम बोल के एज पर AS5, और करंट ईयर का तो नॉर्मल रहेगा। इज इट क्लियर? और ये क्यों हो सकता है, ये हो सकता है हमसे गलती हो गया था पिछले सालों में, हमने फ्यूल चार्ज दिखाया नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या फिर हमसे छूट गया था, एरर ऑफ ओमिशन और एरर इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड। तो हम लोग क्या करेगा अभी, इट शुड बी ट्रीटेड एज प्रायर पीरियड आइटम एज पर AS5, एंड प्रायर पीरियड आइटम के लिए हम लोग क्या करता है, सेपरेट डिस्क्लोजर इन करंट सेपरेट अकाउंट। डिस्क्लोजर करेगा, दैट्स इट, इतना ही लिख के आना है। इज इट क्लियर? हाँ नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर X1 X2 अ मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
रोट डाउन इट्स इन्वेंट्री, अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू कम कर दिया टू एनआरवी। ओ माय गॉड, हमने एक एग्जांपल पढ़ा था ना, जब इन्वेंट्री को एनआरवी पे लेके आ जाए तो उसको क्या करना चाहिए, सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बिकॉज देखो, इन्वेंट्री का वैल्यू कम होगा तो प्रॉफिट भी तो कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक हैज ए डायरेक्ट रिलेशन विद द प्रॉफिट, स्टॉक बढ़ा प्रॉफिट बढ़ा, स्टॉक गिरा प्रॉफिट गिरा, राइट? तो ये तो हमारे यूजर को समझना पड़ेगा ना कि भैया इस वजह से प्रॉफिट गिर रहा है, इस साल हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक को एनआरवी में दिखा रहा है। इज इट क्लियर? हाँ बोलो। सर, तब तो ये वाला जो AS है, ये AS2 के साथ साथ ही चलेगा। AS2 तो कॉस्ट और एनआरवी सिखाता है। हाँ, मतलब अगर हम लोग NRV में वैल्यू करते तो हम लोग को ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हाँ, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, ये AS सारे AS में लगता है, दिस इज जस्ट अ डिस्क्लोजर AS, तो ऑलमोस्ट सब AS में ये फिट हो जाता है। सर AS1 जो पढ़ा था वो यही तो था। टोटो साहब, पिद्दू सा तो AS है। अकाउंट्स का AS1 और ये एडवांस का AS5, मतलब ये AS1, 2, 4, 5, ये बहुत बड़े अजीबो मतलब मिलते जुलते AS है। AS1, 4 एंड 5, ये तीनों AS आपके डिस्क्लोजर से रिलेटेड ही है। इसमें कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस बोल के नहीं है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, अ कंपनी साइंड एन एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय यूनियन ऑन 1st ऑफ सितंबर फॉर रिविजन ऑफ वेजेस विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 30th ऑफ सितंबर X1। दिस वुड कॉज द कंपनी एन एडिशनल लाइबिलिटी ऑफ 5 लाख पर एनम, इज अ डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर द अमाउंट पेड इन X2 X3। बताओ। नहीं। अब ये तो कंपनी ने नया चीज लेके आया है, ये कोई हमारा एरर या ओमिशन थोड़ी ना कि हम लोग इसको प्रायर पीरियड बोलेगा। प्रायर पीरियड कब बोलते हैं हम लोग, जब हमसे कोई ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना रह जाए या फिर हमसे गलती हो जाए। क्या हमने पिछले सालों में कोई गलती किया था क्या? नहीं। नहीं किया ना। अरे ये तो करंट ईयर में कंपनी को लग रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव करके हम लोग रिवेजेस को रिवाइज करेगा। ऐसे कैसे रिवाइज कर देगा? इज इट क्लियर? रेट्रोस्पेक्टिव कैसे होगा, प्रोस्पेक्टिव होता है ना। अरे क्या हुआ, पिछले सालों में वेजेस कम दिया होगा, अब बोलता है कि 2000 X1 से लेके अभी तक हम तुम लोग सबको इतना रुपए बढ़ा के देगा। पिछला साल का जो बढ़ा हुआ वो वैल्यू है वो अभी देगा। अभी बोला है कि हम पिछला साल में भी थोड़ा पैसा बढ़ा के तुम लोग को ऐड करके दे देगा। तो ये गलत पिछला नहीं है। साल वेजेस दे चुका, सपोज 500 रुपए से दिया, अब करंट ईयर में डिसाइड किया, नहीं हम लास्ट ईयर के लिए भी आप लोग को 200 रुपए एक्स्ट्रा करके दे देगा करंट ईयर में। तो पिछले साल थोड़ी ना हमने कोई गलत अकाउंटिंग किया था, 500 रुपए से तो पिछले साल अकाउंटिंग करना था। अब आप करंट ईयर में बोल रहे हो कि आपको 200 रुपए पिछले साल का भी अकाउंट फॉर करना चाहिए था, लेकिन पिछले साल पता भी तो होना पड़ेगा। तो ये तो मेरा प्रायर पीरियड आइटम नहीं हुआ ना। तो ज्यादा एक्सपेंस शो नहीं कर देगा इस बार उन लोग। हाँ तो करेगा, लेकिन वो तो करेंट ईयर का चेंज हुआ ना। इन लोग का ट्रीटमेंट ही गलत है, हमको तो लगता है क्या चीज, इन लोग का ट्रीटमेंट ही गलत है। तो जैसे कि समझा नहीं हम। ये रेट्रोस्पेक्टिव जा रहा है, कैसे जा सकता है वो, हम ये बोल रहे हैं। अरे क्यों नहीं जा, जैसे तुम पिछला साल एक कंपनी में काम किया, जॉब किया, ठीक है, तुमको क्या किया, उन लोग लाख रुपए महीना के हिसाब से सैलरी दिया। अब करंट फाइनेंशियल ईयर में बोल रहे, अरे नहीं यार, पिछला साल हम लोग को तुमको 1,20,000 रुपए करके देना था, तो अब 20,000 रुपए करके जो है वो हम करंट ईयर में पे करेगा। तो ये होता है गलती, एरर। लेकिन अभी देखो क्या बोला है, कंपनी का झगड़ा चला एम्प्लॉय यूनियन के साथ में, ठीक है, लेबर यूनियन के साथ में झगड़ा चल रहा था, फिर बाद में ये कंक्लूजन निकला कि अच्छा ठीक है, तुम लोग झगड़ा वगड़ा खत्म करो, फैक्ट्री में काम करो। कंपनी क्या करेगा, 30 सितंबर से, 30 सितंबर से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आपको वेजेस बढ़ा के देगा। हम लोग कौन से ईयर में, हम लोग X2 X3 में है, राइट? 30 सितंबर X1 से लेके यहां तक जितना भी पीरियड है, हम लोग इस पीरियड का वेजेस भी तुम्हारा बढ़ा के करेंट ईयर में पे करेगा। करेंट ईयर का वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा, बट पिछले साल का एडिशनल लाइबिलिटी 5 लाख पर एनम,
समझ में आया? ठीक है। अरे इज अ डिस्क्लोजर नेसेसरी फॉर द अमाउंट पेड इन एक्स टू एक्स थ्री, बोल रहा है ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट किया जा रहा है, क्या इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देने का जरूरत है क्या? नहीं, ये तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस हुआ। एडिशनल वेजेस इज एन एक्सपेंस अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, सच एन एक्सपेंस डज नॉट क्वालिफाई एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है वेजेस पे करना? ये तो डे टू डे एक्टिविटीज में होता है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है? जो वंस इन अ ब्लू मून हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एबनॉर्मल थी। समझ में, एबनॉर्मल टाइप का, हाँ तो ऐसा कुछ होता तब हम लोग उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करता ना, बट यहां तो क्या है, नॉर्मल है। तो इसका एज पर AS5 कुछ भी सेपरेट डिस्क्लोजर देने का जरूरत नहीं है। इट शुड बी इंक्लूडेड एज करंट ईयर वेजेस। इज इट क्लियर? ना तो ये पिछले साल का एरर है ना ही ओमिशन है, तो इसको हम लोग प्रायर पीरियड आइटम भी नहीं बोलेगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट। द कंपनी फाइंड दैट द इन्वेंट्री शीट ऑफ 31 मार्च X1 डिड नॉट इंक्लूड टू पेजेस कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इन्वेंट्री। अब ये देखो, 31 मार्च में हम लोगों ने 2 पेज खा दिया। स्टेट हाउ यू विल डील विद द फॉलोइंग मैटर्स इन द अकाउंट्स ऑफ ओमेगा लिमिटेड फॉर द। अब हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ चुका है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में भाई उस इन्वेंट्री को काउंट तो करेगा या नहीं करेगा? बट ये क्या करेगा, है, गलती है पिछले साल का, तो क्या करेंगे हम? ये तो प्रायर पीरियड हो डिस्क्लोज गया। करेगा। यस, ये प्रायर पीरियड आइटम बोल के हम लोग इनकम और एक्सपेंस में सेपरेटली डिस्क्लोज करेगा। सर पर इसमें ये नहीं लिखा है कि जानबूझ के नहीं दिखाया है या मतलब। एरर एरर जानबूझ के में थोड़ी ना होता है, गलती हो गई। अब जानबूझ के हो या गलती से हो, डिस्क्लोजर तो सेम AS5 पे ही बट क्या रहेगा। है, एरर और ओमिशन, या तो छूट गया या गलती हो गई, तो करंट ईयर में तो उसको प्रायर पीरियड ही बोलेगा ना हम लोग। क्लियर है? ठीक है भाई। एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग विल कंस्टिट्यूट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट एज पर AS5। अब आपसे बोला है कि आप बताओ, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुआ है क्या, ये आपको बताना है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होने से 3 डिस्क्लोजर देना है। क्या क्या देना है? क्यों चेंज किया, क्या चेंज किया और क्या आपका एस्टिमेटेड इम्पैक्ट चेंज है, है, यस, इम्पैक्ट है। रीजन इफेक्ट ऑफ रीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट आर द चेंजेस एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। क्लियर है? कब कब हाँ चेंज कर सकता है पॉलिसी? लॉ चेंज इन लॉ होगा लॉ में तब, चेंज हो, AS में बेटर चेंज हो गया, प्रेजेंटेशन, ये बेटर प्रेजेंटेशन। AS को कंप्लाई करने के लिए और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। अब देखो क्या बोला, पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ ए फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एन एडॉक एक्सग्रेसिया पेमेंट टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट। मतलब क्या बोल रहा है, पहले कंपनी क्या करता था, रिटायरमेंट के टाइम ग्रेच्युटी स्कीम देता था फॉर्मली। अब कंपनी चाहता है उसकी जगह एक एडहॉक, मतलब एक बार में लमसम पेमेंट कर दिया जाए, एक्सग्रेसिया पेमेंट टू एम्प्लॉयज ऑन रिटायरमेंट रिटायरमेंट के समय। तो बताओ, क्या ये चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? आप शायद उल्टा बोला सर, पहले क्या चीज? अच्छा सॉरी, पहले एडहॉक एडॉक एक्सग्रेसिया पेमेंट मिलता था, अब फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम लेके आ रहा है कंपनी। तो बताओ, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? नहीं, ये चेंज इन मेथड है, दिस इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नया चीज इंप्लीमेंट करना। समझ में आया? सपोज पहले मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता था, अब मैं आईपैड में पढ़ाता हूँ, क्या ये मेरा चेंजेस इन पैटर्न में है क्या, या चेंज इन पॉलिसी है क्या? नहीं पढ़ा तो अब रहा पढ़ाता ही मैं है। पहले भी था, पढ़ाता अभी भी हूँ, बस पढ़ाने का तरीका बोर्ड चेंज हो गया, राइट? तो इसको चेंजेस इन पॉलिसी नहीं बोलते। इज इट क्लियर? क्लियर है? धंधा बदलना चेंज है, धंधा में कुछ और नया लाना वो चेंज नहीं है।
हाँ, अब जो चीज पहले भी कर रहे थे बस उसको करने का तरीका बदल गया, तो क्या ये पॉलिसी में बदलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, पहले भी वही हो रहा था, बस नया, एक नया एक्सपेरिमेंट, नया कैलकुलेशन, नया तरीका है। पॉइंट नंबर टू, मैनेजमेंट डिसाइड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सच एम्प्लॉयज विल गेट पेंशन ऑफ 20,000 पर मंथ। अर्लियर देयर वर नो सच स्कीम ऑफ पेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पॉलिसी चेंज है, ये तो नया यस, पॉलिसी ये एक लेके आ नया गया। पॉलिसी है, ये एक नया पॉलिसी है। तो हम जितना भी पेमेंट करेगा उसको एक सेपरेटली डिस्क्लोज करेगा चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल के। क्लियर है? समझ में आया ना लॉजिक? सपोज एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है, पहले क्या करता था, उन लोग पीडीडी बनाता था ऐसी हवा हवा में, मतलब 10% 15%। अब उन लोग क्या कर रहा है, एक बाहर से एक फॉर्म को हायर किया है, उनसे सर्टेन डेटा बोलता है आप देखो चेक करो और हमें बताओ पीडीडी कितना बनाना है, और उसके लिए उनको पेमेंट करता है। तो बताओ विल इट टर्म्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? नहीं, पीडीडी तो आप अभी बना रहा था, अभी पीडीडी बना अभी रहा भी है। बना रहा था, पहले भी बना रहा था, बस कैलकुलेशन करने का तरीका बदला है मैंने। आई बात समझ में? ये जो हाँ, एक्स्ट्रा अमाउंट आप वो लोग का पे करेगा, वो वो तो खर्चा है, बट क्या ये मेरा पॉलिसी बदला क्या पीडीडी बनाने का? नहीं, यस, चेंजेस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है क्या? सपोज पहले आप स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहा था, अब आप WDV फॉलो करेगा, विल इट टर्म्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? एस्टिमेट चेंज। यस, ये एस्टिमेट्स है। डेप्रिसिएशन हम पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, बस तरीका बदल दिया। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल काम होता था, अब आपने बोला कि कोई भी 10 बजे के बाद में लेट पंच किया अटेंडेंस तो उसका हाफ डे लगेगा। विल इट टर्म्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी? ये तो अकाउंट्स में, ये तो अकाउंट्स में चेंज ही नहीं कर रहा आप, ये तो आप विल इट मैनेजमेंट में टर्म्ड चेंज एज है। चेंजेस इन पॉलिसी? हाँ, ये पॉलिसी चेंज है पॉलिसी इनका। नहीं हो यस, ये सकता। एक नया पॉलिसी है, पहले तो नॉर्मल काम जैसे हो रहा था, कोई कितना बजे भी आओ, अब हमने बोला 10 बजे के बाद कोई भी अटेंडेंस लगाया तो उसका हाफ डे लगेगा, तो सैलरी कम देना पड़ेगा ना। तो दिस इज चेंजेस इन पॉलिसी, पहले तो ऐसा पॉलिसी नहीं था। नहीं था। आई बात समझ में? हाँ, दैट वाज योर AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकता है, एल्स वी विल स्टार्ट अनदर AS। ठीक है? इसमें दो ही क्वेश्चन है बुक में।